अगर आपको मेंटल काम करना है तो हमें उस एजुकेशन अपनी जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा फ्रॉम द डे वन। ये रहा एजुकेशन में, और जहाँ तक हम पेरेंट्स, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ों को हम भी अपनाएं और हम अपने घर से भी शुरू करें। जी, मेरे बैग में पानी का बॉटल है। नहीं यार, कल के दिन भर की चर्चा से आपका अपनी ओर क्या ध्यान गया? कल हमने ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इन दो भाव पे बात किया। हमें टेस्ट के लिए खाना है या हमें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खाना है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि होता है कि टेस्ट देख के इंसान को थोड़ा ग्रीड हो ही जाता है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, खा लो। तो सबसे बड़ी चीज तो ये भी लगा कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सर ये सीखा कि हेल्थ पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें देखना चाहिए, और उससे हम सोसाइटी को भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम उतना ही खाएंगे तो उतना ही कंजम्पशन, उतना ही प्रोडक्शन, उसमें भी हेल्प मिलेगी सोसाइटी को सर। अच्छा, भावों की बात हुई, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, उस पर कुछ ध्यान दिया आपका? सर उसके लिए तो स्वचिंतन करने की जरूरत है हमें अपने ऊपर, मतलब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो उसके लिए तो स्वचिंतन करना पड़ेगा। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट्स, ये एक प्रोसेस है सर, उसको हमें देखना पड़ेगा तभी हम उस पर काम कर सकते हैं जी। उसके लिए तो सर दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। थैंक यू संजय सर। मोबाइल सब लोग म्यूट कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सेटल हो रहा हूँ माइंड को, कि लोगों को मौका लग रहा है आपसे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो भी आप बताते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हेल्थ से शुरू करें तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक्सटर्नल हेल्थ जो हम जैसे जिम में ढूंढते हैं या रनिंग करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनल हेल्थ। अगर उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो आई गेस आपको एक्सटर्नल हेल्थ की इतनी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका इंटरनल ही क्लीन हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की बात है, आई थिंक जो हम अपने से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं कि आपका बर्ताव मेरे प्रति क्या हो, वो मुझे भी सोचना चाहिए कि मेरा आपके प्रति उतना ही भाव होना चाहिए। बट ये जो दो दिन में अभी मैंने सुना, तो ये काफ़ी ना मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाले टॉपिक्स हैं। इसमें ये नहीं है कि तीन दिन में बहुत चेंजेस आ जाएंगे, बट ये है कि अगर तीन दिन में जो सीखा है उसको आप प्रतिदिन हाफ एन आवर भी इम्प्लीमेंट करते हैं, 10 मिनट्स एटलीस्ट गो थ्रू भी करते हैं, तो तब जाके आप में चेंजेस शायद आएंगे। तो मैं तो ये करूँगा, बिकॉज जब मैं विपासना में भी गया था तो 10 डेज मेरा बहुत अच्छा, 10 दिन बहुत अच्छे निकले थे, बट उसका भी मैंने देखा कि अगर वो आप कंटिन्यू ना करो तो वो 10 दिन का कोई फायदा ही नहीं, अर्थ ही नहीं है। सो दिस इज माई इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आई एम ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ, वेयर डू आई लैक एंड वॉट शुड आई वर्क ऑन, बिकॉज मुझे तो बहुत कमियाँ नजर आई हर एंगल में, मतलब देर आर मेनी मिस्टेक्स इन साइड मी विच आई नीड टू करेक्ट इन ऑर्डर टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू, वेरी नाइस सर। मम्मी कुछ रखेंगी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो हमने कल का टॉपिक डिस्कस करे हेल्थ के बारे में, जहाँ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, अफेक्शन के बारे में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी अपनी अगर हेल्थ अच्छी होएगी, लाइक अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसा रूटीन वर्क करते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने आप को हैप्पी रख सकें। सो मीन टू से दैट कि अगर हम जिम भी करते हैं, हाफ एन आवर कर सकते हैं या 1 आवर कर सकते हैं, लेकिन हमें इंटरनल हैप्पीनेस होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, हमें उस पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। सो अगर हम बात करें कि ट्रस्ट, वो भी अपने में हमें भी होना चाहिए और अगले में भी होना चाहिए। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, हमारे में भी होना चाहिए और अगले में भी होना चाहिए। अगर हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन अगला नहीं करना चाहता, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं हो सकती। सो हमें इन सब बातों पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और दूसरा कि जो हम ये चीज़ें हम सीख रहे हैं
आई थिंक ये 3 दिन काफ़ी कम टाइम है और हम अपने सभी इस चीज़ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरी सेकंड वर्कशॉप है और सेकंड टाइम ये वैसा ही उससे मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है जैसे मैंने आज से कोई 5-6 साल पहले अटेंड करी थी, उससे अच्छा एक्सपीरियंस। कहाँ अटेंड किया था आपने? इसे सिटी इंस्टीट्यूट जिलंधर में। अच्छा, 5 डेज वर्कशॉप थी। ओके, पीटीयू में थे आप? यस, पीटीयू में थे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू, मेरा नाम आशीष कुमार है। एंड सर, कल की वर्कशॉप से मेरे को एक चीज़ जो पता थी बट उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करता था, जैसे कि एक सामने वाले के लिए एक मिनिमम जैसे होता है कि एक रिस्पेक्टफुल नेचर रखना, चाहे इंसान जैसे आपने बताया सिक्योरिटी गार्ड हो, स्वीपर हो, हेल्पर हो, आप उनके लिए क्या भाव रखते हो? ये नहीं खाली आप अपने कलीग्स के लिए, अफसर के लिए, बट आप जो आपसे नीचे पोस्ट पर हैं, उपाधि पर हैं, उनके लिए क्या भाव रखते हो? तो एक म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट अगर शुरुआत वहाँ से करेंगे तो आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग अपनी खुद से बननी शुरू होगी। बट सर, जो इंटेंशन वाला पार्ट था वहाँ पे मैं इसलिए कंफ्यूज था कि इंटेंशन और इंट्यूशन दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि यूजुअली हम जो स्ट्रेंजर है उस पर जो हम ट्रस्ट करते हैं वो इंट्यूशन बेस्ड करते हैं, इंटेंशन बेस्ड नहीं करते। बट आपका कहने का तात्पर्य यह है कि हम इंटेंशन बेस्ड उस पर ट्रस्ट करें कि सामने वाला हमारा भला ही चाहता है, बुरा नहीं चाहता। बट सर, जब मैंने आपने मेरे से ये क्वेश्चन शुरू में पूछा था तो मैंने कहा सब पे भरोसा करना चाहिए, फिर आपने कहा रेलवे वाला पार्ट की बैग रख दिया कोई नहीं चुराएगा, तो वो पार्ट भी है। पर सर, एक समय ऐसा भी है, इवन अभी आप अभी भी शायद साउथ में एक गांव है जहाँ पे दरवाजे नहीं है, तो वो भी एक, क्या हम उसे कह सकते हैं कि सबने एक राइटेस ह्यूमन वैल्यू उन्होंने प्राप्त करी हुई है? वहाँ ये कह सकते हैं कि लोगों का कॉम्पिटेंस लेवल इतना हाई है कि कोई चोरी नहीं होती। इंटेंशन तो जिस गांव में चोरी होती है वहाँ भी ठीक है, जिस गांव में चोरी नहीं होती वहाँ भी ठीक है, बट कॉम्पिटेंस वहाँ पे हाई है, तो कॉम्पिटेंस में पूरा वेरिएशन दिखाई देगा। तो इक्वालिटी है कॉम्पिटेंस में दोनों सब? कॉम्पिटेंस में ही वैरायटी है, वेरिएशन है, जो सिमिलैरिटी है वो इंटेंशन में है। सर वही सर, ये चीज़ हम शहर में नहीं कर सकते ना कि भाई हम दरवाजा खोल के घर चले जाएं, यहाँ पे तो हम जानवर तक पे भरोसा नहीं करते कि वो हमारे पेड़ पौधे खराब कर जाएगा, तो उस हिसाब से तो थोड़ा इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब ये हुआ मेरी चाहना क्या है, जैसे मैं सुखी होना चाहता हूँ ये मेरा इंटेंशन है, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ ये मेरा इंटेंशन है, इसमें कोई कमी नहीं है, बट मैं सुखी नहीं रह पाता हूँ मान्यताओं के प्रभाव में, संवेदनाओं के प्रभाव में। सर बचपन में हमें बुलवाई जाती थी जिसमें दूसरों की जय से पहले अपनी खुद की जय करें, तो वो पार्ट हम मिस कर चुके हैं कि हम दूसरों को प्लीज करने में ज़्यादा रहते हैं, अपने आप को प्लीज करने में कम रहते हैं। तो एक वो भी अपने आप को थोड़ा अपने आप को भी खुश रखना चाहिए ताकि सामने वाले को तभी खुश कर पाए। इतना कि दो चीज़ों को हम लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं कि हम जो कर रहे हैं या हमें लगता है जो हमें करना चाहिए वो एक पार्ट है, जो हमारी सहज स्थिति वो अलग है। तो जब हम ऐसा कोई बात कर रहे हैं ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, करने वाला भाग है, जीने वाला भाग है, चाहते क्या है सबकी जय हो, सभी अच्छा हो, सभी सुखी हो, सभी समृद्ध हो। है ना कि रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो देनी भी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको ठीक से देखें तो हम रिस्पेक्ट देना भी चाहते हैं, रिस्पेक्ट पाना भी चाहते हैं, बेसिकली हम रिस्पेक्ट के भाव में बने रहना चाहते हैं। तो ये तो एक माया है। अब ये हाँ, ये सब जो बहुत सारे कंडीशनिंग है ना, ये लेयर बाय लेयर इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हम कई बार कहते हैं भाई बाकी सब तो ठीक है, तो है तो ये माया है ना, बाकी सब ठीक है तो ये कलयुग भाई सब बाकी सब ठीक है, किताबों के लिए है तो कलयुग यहाँ तो यही चलेगा। अब ये क्या होता है कि फिर हमारा अपना एक्सप्लोरेशन रुक जाता है। तो हुआ क्या, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी है, किताबों में पढ़ी है, लोगों ने सुनी है ना, पर ये जो हमारी कंडीशनिंग्स है, जो हमारा बहुत सारा सोचने का ढंग है, उसका इवैल्यूएशन शेष है, तो वहां पे रिस्पेक्ट हो जाते हैं। अगर भाई किताबों के लिए ठीक है, जीने के लिए तो कुछ और ही लागू होता है, हाँ। इस व्यक्ति के लिए ठीक है, उस व्यक्ति के लिए कुछ और ही लागू होता है, इंजीनियरिंग की किताबें कुछ और कहती हैं और काम कुछ और कहता है। सटे साथ हम समाचार रहते ना। हेलो
मैं नीचे कर लेता हूँ। मुझे कई बार लगता ना कि पिछली रो में पता नहीं बात जा रही है कि नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इज आई एम ऑडिबल? थोड़ा माइक क्लोज कर लेंगे, वॉल्यूम कम से कम। सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मतलब आदित्य को जिन्होंने इतनी अच्छी वर्कशॉप हम लोगों के लिए अरेंज कराई, और स्पेशली सोनी सर को भी। सर मेरा नाम बोल दें तो। सर मेरा नाम शिवानी जैन है और मैं ई गवर्नेंस से हूँ, और सोनी सर को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग ज्वाइन कर सकें। सर वर्कशॉप में कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, परसों का भी, और यही समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली हमें इनर सेल्फ को आइडेंटिफाई करना है, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, और बाहर जो है वो इल्यूजन जैसा लगता है कि मतलब वो सच दिखता है पर है नहीं, और जो इंटरनल है वही एक्चुअली में चाहे सोल है या आप क्या चाहते हैं अपना, वो ढूंढना एक्चुअली में आपका मेन पर्पस है। उसके लिए आपको खुद अपने लिए देखना पड़ेगा, वही आपको बाहर दिखने लगेगा। मतलब अगर रिस्पेक्ट ट्रस्ट अगर आप अपने लिए वो करते हैं तो आप डेफिनेटली दूसरे को भी वो दे सकते हैं। पहले खुद के लिए जनरेट होगा, और वो मतलब जनरेट करना नहीं है, वो हम सबके अंदर ही है, बट उसको अभी हम भूल चुके हैं क्योंकि बाहर से हम लोगों को इतना सारा जो इल्यूजन दिखता है उसमें हम डूब चुके हैं, तो हमें दिखता नहीं है कि सच क्या है। बट अगर आप वर्कशॉप्स होती रहेंगी तो हमें वो क्लैरिफिकेशन धीरे धीरे मिलती रहती है। ट्रस्ट रिलेशनशिप वो धीरे धीरे जैसे आप उसमें डीप डाउन करते रहेंगे तो और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, और ट्रस्ट रिलेशनशिप अपने आप बेटर होते जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ करना है, बट अपने आप को पहचानना है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, और आपकी नीड्स बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, वो पहले भी उतनी ही थी आज भी उतनी है, बट अभी ये लगता है कि नहीं हमारी नीड्स ज्यादा बढ़ गई, पर ऐसा है नहीं एक्चुअली भी, वो पहले भी उतनी थी और आज भी। तो दिस इज माय ऑल सबमिशन। वेरी नाइस। निखिल सर, मेरी नीड्स कम है, मतलब हाँ मतलब बॉडी के लेवल पे भी, और मतलब अगर मैं ये समझूंगी कि मेरी नीड्स क्या है तो मतलब हम कॉरेस्पॉन्डिंगली बाकी लोगों को भी ये, मतलब पहले अपने आप को आइडेंटिफाई मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग से ही मैं आउटर को दे सकती हूँ। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे ही क्लियर नहीं है कि क्या करना है, लाइक अगर मेरा खुद का गोल सेट नहीं है तो मैं किसी को क्या बोलूंगी कि क्या गोल सेट करना है। तो फर्स्ट सेट योर सेल्फ गोल की आपकी क्या नीड्स है लाइफ की। ज़्यादा आप बेटर कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर समाज के प्रति सबसे पहले आपकी अपने प्रति जिम्मेवारी है, मतलब बॉडी और सोल जिसे हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेवारी अपनी बॉडी की पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें उसे हेल्दी रखना है। अदरवाइज इफ यू आर नॉट हेल्दी, और अगर आपको डायबिटिक है और आप शुगर इनटेक कर रहे हैं मन से, तो वो ज़्यादा आपको लॉन्गर टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा, और वो कोई भी नहीं चाहता है। मतलब अल्टीमेटली सबको चाहिए कि वो जब तक जिए अच्छे से जिए, तो सबसे पहले अपने लिए आप कॉन्शियसली उस चीज को अडाप्ट करेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो बाहर से भी एनवायरमेंट से भी आपको मिलने लगेंगे। तो दैट इज माय सबमिशन, थैंक यू सर। सबको नमस्कार। अभी 3 दिनों के कार्यक्रम में आज जो 3रा दिन हमारा है, मुझे ये लगता है कि मैं सर से हमेशा मेरी बात होती रहती है, लंच में भी जब टी ब्रेक्स होते हैं तब भी, और लोगों से भी बात होती रहती है। तो रेसिडेंशियल प्रोग्राम में हम इसी तरह से सीखते हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं वो 3-4-5 घंटे क्लासरूम में नहीं होते हैं, और उसके बाहर लर्निंग होती है उसकी। तो वो एक्सटेंशन जब हम रात में शाम को घर जाते हैं, सुबह उठ के आते हैं, वहाँ भी ये लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। ये बात है कि अभी जब हम इन चीज़ों को दिन में करके जाते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है, ज़्यादा उस चीज़ को हम लोग एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन जो सर ने कहा वो उसका असर थोड़ा ज़्यादा होता है। 2-3 चीज़ें जो बहुत विशेष रूप से 2 दिन में निकल के आई, और जो हम ज़्यादातर लोग हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उस चीज़ को रीइन्वेग्रेट किया गया। छोटी छोटी चीज़ें जिसको सेम मानते हैं वो सिमिलर होती है, और कुछ तो एंटोनीम में भी हम बहुत फंसे होते हैं, उनको भी कभी सिमिलर समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि कल बात हो रही थी सेल्फ और बॉडी की, धर्म और अध्यात्म की, या इस तरह की चीज़ें जो सेम नहीं है सिमिलर है, या फिर इंटेंशन और कॉम्पिटेंस जो कि सिमिलर नहीं है, ऑलमोस्ट एंटोनीम है,
उसको भी हम कहीं ना कहीं सिमिलर समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में हमको ये जानने का, और खासकर जो पीयर लर्निंग भी होती है उसमें जानने का मौका मिलता है कि ये चीज़ें कितनी अलग है, और हमारा ज्ञान छोटा होने के कारण हम चीज़ों को एक समझने की कोशिश करते हैं और उस कन्फ्यूजन को आगे अपनी ज़िंदगी में बराबर उनसे उलझते रहते हैं। जैसे बताया गया कि हैप्पीनेस अंदर में है, यह हम सभी जानते हैं। इन चीज दो दिनों में हमने जो जाना कि हाँ हैप्पीनेस अंदर में है, इसका हमने एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन करने के लिए फिर से मतलब एक उम्मीद भी जमी जगी और कोशिश भी हमने किया है। लेकिन ये कार्यक्रम आज ही खत्म नहीं हो जाएगा, ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा, 24 घंटे चलता रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि हम, जैसा कि सर ने अभी कहा अस्थाना सर ने, कि अपने बारे में जानने, सोचने और करने के लिए ये कार्यक्रम है, दूसरे भी अपने बारे में करेंगे और इस तरह से हम एक दूसरे के बारे में करते रहेंगे। प्रिस्क्रिप्शन के रूप में ये नहीं है, ये प्रपोजल के रूप में है। इस चीज़ को सर ने पहले दिन, मैंने सर को लंच में कहा था कि अभी आधे दिन के सेशन में आपने 5 से 6 बार ये डिस्क्लेमर दिया, इस चीज़ को बड़ी ज़रूरत होती है समझने की कि प्रपोजल प्रपोजल है। फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं इसको प्रिस्क्रिप्शन समझ ले, ये मानते हुए कि आप प्रैक्टिशनर हैं और आप बता रहे हैं तो ये शायद प्रिस्क्रिप्शन ही होगा, आपने शायद ये एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन कर लिया होगा और हमको एज इट इज ले लेना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप बार बार डिस्क्लेमर दे रहे थे। और मुझे याद है कि पहले दिन के आधे सेशन में 6 से 7 बार आपने इस चीज़ को इम्फेसाइज किया, रीएम्फेसाइज किया कि ये प्रपोजल है। तो इस चीज़ को जानने की बहुत ज़रूरत है कि प्रपोजल देने कोई दूसरा नहीं आएगा, हम खुद ही प्रपोजल देते रहेंगे, प्रिस्क्रिप्शन के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं। तो ये मेरी अभी तक की लर्निंग रही है और समअप कर रहा था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर, बढ़िया। नमस्ते सर, मेरा नाम अमित सिंह है। कल के सेशन में सबसे बड़ी बात हमने सीखा कि हारमोनी, जैसे हम लोग बचपन से ही वैल्यू सिस्टम पेरेंट्स से, फैमिली से, टीचर्स से, सोसाइटी से सीखते आए थे और फॉलो भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था कि उसकी जो आज के फिजिकल वर्ल्ड में जो आपाधापी मची हुई है उसमें शायद हम लोग थोड़ा सा छूट रहा है कुछ। तो हारमोनी को मैंने बहुत अच्छे से समझा कि हारमोनी जो है सबसे पहले तो बॉडी लेवल पे होगा, इंडिविजुअल लेवल पे। अगर हम हारमोनी को फॉलो करें तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा। अगर उसी को और आगे मतलब माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल अप्रोच अपनाएं तो फिर सोसाइटी लेवल पे आएगा, फिर नेशन लेवल पे आएगा, फिर वर्ल्ड लेवल पे हो सकता है। और इसको करना ही होगा, ये डिमांड ऑफ द टाइम है और यही वैल्यू सिस्टम है। इसी तरह से डिफरेंसेस, आज कल जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा, चाहे हर लेवल पे, जो अभी कंट्री लेवल पे जो वार हो रहे हैं या वर्ल्ड लेवल पे जो भी बातें हो रही हैं, रीजन पे, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो अगर उस पर भी फोकस होके इसको समझ के अगर प्रैक्टिस किया जाए, इंडिविजुअल लेवल से अगर सुधार शुरू किया जाए तो वो सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा मतलब परिणाम दे सकता है। तो वो चीज़ें डिस्कशन से काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई और हम लोग चाहेंगे कि इसे फॉलो करें। और इसी तरह से ट्रस्ट और हेल्थ आजकल जो सबसे बड़ा मैटर है, उस पर भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। कोरोना पेंडेमिक ने सबको सिखा दिया कि हेल्थ क्या होता है। फिर कहीं ना कहीं इंडिविजुअली 3-4 चीज़ों पे ही अगर फोकस रखा जाए तो यही इसका समरी है और यही सार है, और वो चीज़ें कल बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हुई सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया जी सर। नमस्ते। सभी को नमस्कार, मैं हेमंत कुमार फाइनेंस ब्यूरो से। सबसे पहले तो सर को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने यहाँ वर्कशॉप लगाया, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हम लोग में थोड़ा सा जो हम लोग अभी मतलब पीछे थे अपने ज़िंदगी को जीने में, खुशी को पाने के बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी, बस पैसा कमाने के होड़ में लगे हुए हैं, सब अपना दिनचर्या पूरा कर रहे हैं, उसके बारे में जो आपने ज्ञान दिया वो तो बहुत ही सुंदर है। और हम लोगों ने जाना जो हमारा क्या अचीवमेंट है, जो आपने कल सर बॉडी और माइंड के बारे में बताया, वो सबसे ज़्यादा हम लोग को इम्प्रेसिव किया। अभी तक हम लोग अपने, हमको लगता है जो हम लोग अपने बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो मेरे बॉडी को कितना, अपने आप में हम लोग कुछ सुधार नहीं करते थे। बॉडी को पूरा सुविधा चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो उसको। तो हम लोग को अभी यही मैंने सीखा, जो पहले अपने आप में सुधार करना है। अगर हम लोग सबसे पहले अपने आप में सुधार कर लेंगे, अपने आप में अगर खुशी लाएंगे, तभी हम समाज को भी खुशी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंटरनली अगर दुखी हैं तो समाज को भी हम सुख नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यही सीखा कि अपने आप में सुधार करना है, और ऑलवेज अपने आप में सुधार करते हुए अपने आप में हैप्पीनेस लाना है। और ये हमको डिसाइड करना है जो हम किस आधार पे खुश रहें, दूसरे के दिखावे पे ना जाएं।
हमारे बाबूजी कहा करते थे, कभी भी जब एडवर्टीजमेंट आता था तो बोलते थे दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो हमेशा उनका एक स्लोगन रहता था, दूसरे के दिखावे पे मत जाओ, आप अपने आप में देखना है। वही चीज सर, आप उसी को एक रूप में दिखाएं जो कैसे आपको अपने आप में किसी मान्यता या संवेदना पे ना जाके अपना नेचुरल एक्सेप्टेंस लेना है, जो कि आपको इंटरनल हैप्पीनेस दे। तो सर ये प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 3 दिन थोड़ा सा कम है। और दिक्कत सर अभी सबसे बड़ी बात जो हम लोग के लिए फाइनेंस ब्यूरो का अभी क्लोजिंग का टाइम है सर, जो अभी 80% ध्यान हम लोग का इधर रहता है, 20% अभी फाइल पर रहता है। सुबह भी आता हूँ तो फाइल, और शाम को भी जाता हूँ तो फाइल, बिकॉज फाइनेंसिंग आप सकते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है। तो सर से एक रहेगा रिक्वेस्ट, जो सर कभी वर्कशॉप हो तो फिर फाइनेंशियल ईयर के बाद लिया जाओ, कम से कम 15 डेज हो, ताकि फुल्ली डिवोटी होके हम लोग इसको ले सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, सर का कल तो मिस हो गया था, राज भैया कुछ कह रहे हैं। कल का जो मेल हम लोग ने भेजा था ना, तो उसमें 2 लिंक्स हैं रिकॉर्डिंग्स के, वो तो पूरी पूरी वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन वर्कशॉप के, और फेस टू फेस वर्कशॉप के लिंक आज हम लोग आपको फिर से भेज देंगे, फेस टू फेस वाले की। तो वो एक अच्छा वर्कशॉप है जिसको आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, हिंदी में भी आया है, वो ऑनलाइन वर्कशॉप का लिंक है। हम कह रहे हैं कि आज हम लोग आपको फेस टू फेस वर्कशॉप का भी एक लिंक भेज देंगे। बाय के लिए। अच्छा, तनुजा जी। हाँ, हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। आपकी टीम को और स्पेशली नीतू मैम को और नरेंद्र सर जो हमारे सर हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। और मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि रेस्पेक्ट करनी है हर किसी की, ह्यूमंस की नहीं, नेचर की भी, एनिमल्स की भी, सबकी, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है। जब हम उसको उनको चीज़ों को समझेंगे तो वो हमें बहुत कुछ देंगे। हम क्या करते हैं, पॉलिथिन्स यूज़ करते हैं और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उसको रोकने के लिए अगर कुछ हम थोड़े थोड़े भी प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। और सभी को खुश रहना चाहिए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। बढ़िया। संजय सर, हाँ मैम बताइए। हेलो सर, मैंने आपकी जो 2 दिन की वर्कशॉप थी इसमें ये सीखा कि हमें बॉडी के साथ में अपने सेल्फ पे भी ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को हारमोनी के साथ रहना चाहिए। ये रियली वर्कशॉप मेरे फ्यूचर में मेरे साथ बहुत अच्छा, मतलब मेरे में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं सर। थैंक यू फॉर दिस सर। सभी को नमस्कार। वर्कशॉप के कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं और मुझे कल जो रिलेशनशिप के बारे में और मैं और मेरी बॉडी उसके बारे में जो बताया गया, और रियली उससे काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ मैं हेल्थ को अच्छे से होने की तैयारी। थैंक यू सो मच। हाँ, नाम बताते चलें। A very good morning to one and all present here. Well, as far as my name is concerned, I think my name has been taken many a time. So, by the way, I'm Sanjay Jha, and currently I'm working in MIT University, Gurugram, as Director of Liberal Arts. And I would like to first of all express my sincere thanks to the organizer for organizing such a, you know, meaningful, insightful workshop on universal human values. For the past 2 days, I was just trying to, you know, find what is universal
in these values. But slowly, you know, I came to know that the first thing is to start from within. And this is what our resource person said, always, you know, talked about the relation or harmony between Mai and Sharif, he started with. Well, if I talk about yesterday's reflection, because I have been asked to reflect on yesterday's session, the very important thing which I'll highlight as उन्होंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री की बात की थी तो हम एक दूसरे के पूरक ये समझना ज्यादा जरूरी है ना कि हम एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं हम एक दूसरे के पूरक वी हैव टू डिपेंड एज वेल एज वी हैव टू को एग्जिस्ट दिस इज व्हाट यू मीन सर सो ये को एग्जिस्टेंस जो है कल भी मैंने एक बार मैंने कहा था कि द टाइम इज टू लिव विद कोऑपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस रादर देन थ्रोट कटिंग कॉम्पिटिशन थोड़ा कॉम्पिटिशन का भाव कम रखे और कोऑपरेशन और को एग्जिस्टेंस का भाव ज्यादा आए तो मुझे लगता है वी कैन क्रिएट अ बेटर ह्यूमन अ बेटर सोसाइटी अ बेटर नेशन एज वेल एज अ बेटर वर्ल्ड सो दीज आर फ्यू रिफ्लेक्शंस बातें काफी है करने के लिए लेकिन मुझे लगता है कि इन कोर्स ऑफ टाइम वी विल बी शेयरिंग our views or reflections. So, but I would like to thank all of you, you know, और मुझे ये भी लगता है कि AICTE में मतलब ज्ञान को सीमित नहीं रखा जा रहा है सिर्फ AICTE तक अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ आज नहीं होता तो इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी की ऑर्गेनाइजर्स हैं शायद मैम आप भी हैं उसमें और आदित्य जी हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया था और शायद रीना मैम भी हैं वे अभी मौजूद नहीं है तो मैं आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं चाहूंगा कि भविष्य में हमारे यहाँ भी अ सीरीज ऑफ मतलब वर्कशॉप्स कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं पर्सनली मैं खुद इसमें काफी रुचि लेता हूँ और साल भर बल्कि हर महीने दो तीन तो ह्यूमन वैल्यूज और इंडियन नॉलेज सिस्टम पे हम कार्यक्रम करवाते ही रहते हैं तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप सब आइए एंड लेट्स एक्सचेंज आवर यू नो व्यूज and we can create a better society. Thank you. ये तो मैम कल के टेकअवेज कल आपने संबंध पे बात की थी और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा संबंध में बिलीव नहीं करती मेरा जो मतलब यह है संबंध का दायरा बहुत छोटा है मेरी फैमिली तक फ्यू फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से बढ़ के ना लोगों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश या उनको जानने की कोशिश ऐसा मेरा शुरू से आई हैव बीन वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन तो मैं हर किसी के साथ संबंध का भाव नहीं फील करती ये मेरी कमी कह सकते हैं आप लेकिन कल जो आपने वर्कशॉप किया उसके बाद जो है मैंने ये सोचा कि ठीक है हम सबके साथ एज इंडिविजुअल ठीक रहते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब संबंध नहीं फील कर रहे तो हम किसी से मतलब डिस्टेंट भी हैं ऐसा भी कुछ नहीं है लेकिन एक जब हमें को एग्जिस्टेंस की आप बात करते हैं जब हमें एनवायरमेंट के साथ भी को एग्जिस्टेंस में रहना है तो वाई नॉट एवरी वन वाई नॉट सोसाइटी वाई नॉट होल वर्ल्ड तो जैसा आपने कहा प्रपोजल है एक्सप्लोर कीजिए एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग बाद में आता है तो डेफिनेटली आई एक्सप्लोर दिस आई ट्राई टू स्टार्ट फील दिस संबंध विद एवरीवन रिलेशनशिप विद एवरीवन एंड आई सी हाउ इट रिजल्ट इनटू मेरा अभी तक ये मानना था कि बहुत ज़्यादा आप सबसे संबंध फील करेंगे तो हर किसी का ओपिनियन एवरीथिंग आपको इफेक्ट करने लगता है तो वो सब चीजें मैं ज्यादा बढ़ाती नहीं फैलाती नहीं वाली बात थी तो अब मैं कोशिश करूंगी कि करके देखते कैसा लगता है अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना कि इंटेंशन भी देखें हम हाँ जी सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं तो चीजें और गति पकड़ेंगे हाँ जी हाँ जी नीतू जी आपने जो कल परसों प्रेजेंटेशन दिया था ना जो बनाया था आपने उसमें बहुत मेहनत की होगी आपने और जिस ढंग से आपने उसको सीक्वेंस पे रखा दैट शोज दैट यू आर रियली एक्सप्लोरिंग गेटिंग इट आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट और आपका पूरा पूरा नहीं हो पाया था वो या सो यू मस्ट डू इन डिटेल एंड यू मस्ट ट्राई टू कम फॉर दिस ऑनलाइन वर्कशॉप्स And then, you know, you can share very beautifully. And
और ये जो रिलेशनशिप का इसका एक्सप्लोरेशन है, इसको आप करेंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और अथर्व के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बहुत ध्यान रखती है अथर्व का, बहुत हमने देख लिया है। सबका ध्यान रखती है तो बहुत अच्छी बात है। तो सब उसको जैसे जैसे एक्सपेंड करना, एक्सप्लोर करिए उसको। गुड मॉर्निंग। कल मैंने ये सीखा कि लाइक जैसे मुझे कल ये पता चला कि मेरा जो पर्पस है और सामने वाले का जो पर्पस है, हैप्पी रहना, वो सेम है। जब पर्पस सेम है, प्रोग्रामिंग सेम है, कैपेसिटी सेम है और लाइक इंटेंशन सेम है हमारी, तो मैं अगर अपने आप में ही एक साउंड फीलिंग रखती हूँ अपने लिए कि हाँ मुझे हैप्पी रहना है, तो मैं सामने वाले को भी सोच सकती हूँ कि वो भी खुश रहना चाहता है। तो मुझे यही कल पता चला कि मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, सामने वाला भी खुश रहना चाहता है, तो मैं क्यों डाउट कर रही हूँ कि वो मुझे खुश रहने के लिए अनहैप्पी करने के लिए कुछ कर सकता है। तो मेरा वो डाउट क्लियर हुआ कि ऐसा भी नहीं हो सकता है, मुझे ये डाउट भी नहीं रखना चाहिए। और लाइक कल अगर जब पता चल गया है कि हम दोनों की इंटेंशन सेम है, अगर वो मेरे से ज्यादा ही अच्छा है, लाइक उसके पास ज्यादा नॉलेज है, तो मुझे उससे ज्ञान ले लेना चाहिए, मुझे इतना हम्बल कर लेना चाहिए कि लाइक उसके पास है तो मैं उसे ग्रास कर लूँ। अगर मुझे लगता है कि वो मुझ पर डिपेंड है तो मैं उसे अच्छे से संभाल लूँ। यही मैंने कल सीखा और ज्यादा ओवर उसको ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, अंडर वाला भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब मैंने कल सीखा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, का हो गया है आपका। थैंक यू सर। जो आप लोगों ने अभी 3 दिन का जो कार्यक्रम रखा है, 3 डेज प्रोग्राम, इसमें काफी हम लोग को सीखने को मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैडम को, मैडम को, जो ये प्रोग्राम वर्कशॉप हम लोगों के लिए, एएसटी ऑफिशियल्स के लिए एज वेल एज जो आए हैं उनके लिए भी जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत इन द टाइप ऑफ एज एन इंस्पिरेशन, ये हम लोग एक इंस्पिरेशन टाइप से लेके जा सकते हैं। और जैसे आप ही का टीम का एक मेम्बर वहाँ पे, मेरा रीजन पे जो मैं ईस्टर्न रीजन देख रहा हूँ AICT का, दिलीप देवनाथ जी, वो काफ़ी लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को, मतलब नूक एंड कॉर्नर ऑफ द एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, लाइक नॉर्थ ईस्ट, मतलब इंटीरियर जगह पर ये प्रोग्राम लेके जा रहे हैं देवनाथ जी। तो इससे बहुत काफ़ी फायदा मिल रहा है इंस्टीट्यूट का फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को, जो मुझे अभी तक लगा। और कल के बारे में जो सर जो बताए थे डिफ्रेंशिएशन, जो मैडम ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, तो वही मैं कहना चाहता था, जो दैट द पीपी दैट इज पर्पस प्रोग्राम एंड पोटेंशियल इज सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये हम लोग को समझना चाहिए अपने से अंदर से। तो उसको आप पहले अपने अंदर जो भी है उसको समझना पड़ेगा और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप फैमिली के फर्स्ट या फैमिली तक आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन लाइक यू कैन डिस्क्राइब इट टू योर फ्रेंड्स एंड टू होल ऑफ द सोसाइटी आफ्टर दैट्स, दैट्स द थिंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं सर दिनेश सिंह, वर्किंग एज ए डायरेक्टर इन अटल लैब। It's my immense pleasure to be a part of this workshop. I am highly thankful to Dr. Neetu Bhagat ma'am and their team. उन्होंने मुझे मौका दिया इस workshop को attend करने के लिए. And I am also thankful to our higher authorities कि हम सभी को 3 दिन की workshop attend करने के लिए permission दी. तो first जो हमने सीखा, that is good understanding. अगर अच्छी understanding है तो हमारे संबंध भी अच्छे रहते हैं. आजकल हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे संबंध अच्छे ना होते हुए, संबंध को गलत समझते हुए पोलराइजेशन हो रहा है। ज्वाइंट फैमिली से हम सिंगल फैमिलीज की तरफ बढ़ रहे हैं और यह देखा जा रहा है कि पेरेंट्स अलग रह रहे हैं और उनके सन जो
पर बच्चे हैं वो अलग रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो उस अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट डे देखा कि हमने कैसे मजबूत करना है, हारमोनी कैसे रखनी है, हैप्पी कैसे रखना है। सेकेंड डे हमने देखा, हमने समझा कि सेल्फ के बारे में और बॉडी के बारे में क्या डिफरेंस है। हम उसको हमेशा इंटरमिक्सिंग करते हैं और बॉडी को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, तो उससे हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड थिंग पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। थर्ड जो हमने कल जो हमने सीखा कॉम्पिटेंस के बारे में, कॉम्पिटेंस के बारे में हम सबकी अलग राय थी, बिल्कुल डिफरेंट राय थी कि कॉम्पिटेंस क्या होता है। आपसे हमने डिस्कस किया, काफ़ी चीज़ें आपसे क्वेश्चन किए हमने, तो हमें एग्जैक्टली पता लगा कि एग्जैक्टली कॉम्पिटेंस होता क्या है। हम कुछ अलग डायरेक्शंस में थे और वो जो डायरेक्शन हमें मिली उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और एग्जैक्ट क्लियर हुआ कि कॉम्पिटेंस एग्जैक्टली होती क्या है और कॉम्पिटेंस को देखते हुए हम कैसे इवेल्युएशन करें। इवेल्युएशन हमारी ठीक होगी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक होगी, तो सब कोरिलेटेड है आपस में। अगर एक चीज़ मिस हो जाती है तो वो हमारी जो गैप है वो बढ़ जाता है, तो उस गैप को आपने दूर किया। पर्सनली मैं फील करता हूँ कि आई वॉज वेरी वेरी सोशल वन, बीच में छोड़ दिया था, तो दो दिन सोचा जिन लोगों से मैंने इतने दिनों से बात नहीं की, मैंने उनसे बात की, अच्छा सेकेंड थिंग मेरे पास आपने कहा प्रोस्पेरिटी का बॉडी के लिए, उसके बारे में भी मैं अपना पर्सनल, मेरे पास सेंटर ही थी, मैंने निकाल दी क्यों 10 ईयर्स हो गए थे, एक छोटी गाड़ी है मेरे पास, तो मैंने सोचा बच्चे भी कह रहे थे, सभी कह रहे थे बड़ी गाड़ी लीजिए, लेकिन नीड नहीं है, तो वो ड्रॉप, वो मैंने अपने फैमिली से बात की और वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। इस वर्कशॉप का मुझे पर्सनली ये फायदा हुआ कि मुझे अपने बारे में, मतलब सेल्फ के बारे में सोचना, नॉट इन प्रायोरिटी ऑफ बॉडी। और प्रॉस्पेरिटी वो नहीं है कि जो हम दूसरों को दिखाएं या दूसरे हम हैप्पी फील करें कि दूसरों को दिखा कर, शो चीज नहीं होनी, शो बिजनेस नहीं होना चाहिए, उससे हमारी सारी हारमोनी बिगड़ जाती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आ जाती है, हम लोन ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने सीखा है वो प्रैक्टिकली हम अपने अंदर इनकलकेट करें, ऐसा नहीं कि हमने सीख लिया और उसको अपने तक ही रख दिया, हम उसको सोसाइटी में भी उसको एक्सप्लोर करें। तो इस वर्कशॉप का यही फायदा है कि वन टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, जरा आरती जी का नहीं हुआ अभी। अच्छा ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा अब रिकैप शुरू कर लेते हैं, लगभग सारी बात आप लोगों ने कह ली है, आपका रह गया। सर ऐसी वर्कशॉप सभी को नमस्कार, मैं वर्कशॉप के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि ऐसी वर्कशॉप जो कार्यालय में हुई है वो होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें दूसरों के विचारों के बारे में पता लगता है। स्पेशली हमारे सीनियर दिनेश सर हैं, नीतू भगत मैडम ने ये वर्कशॉप रखी, काफ़ी अच्छा लगा, इससे हम एक दूसरे के विचारों के बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति को आधिकारिक रूप में जानना और इस वर्कशॉप में किसी के विचारों को जानना, हम उन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हमें उनके विचारों के बारे में पता लगता है। दिनेश सर ने अपने विचार रखे, वरिष्ठ अधिकारी और हैं फाइनेंस ब्यूरो के, उन्होंने अपने विचार रखे, तो उन चीज़ों से हम अभी उम्र में काफ़ी छोटे हैं, तो हमें आप लोगों के विचारों से हम काफ़ी प्रभावित होते हैं सर, हम कुछ सीखते हैं उस चीज़ से। दूसरी चीज़ सर, आपने एक सेंटर वाली बात कही थी, एक वाइस चांसलर थे, उस चीज़ में कई लोगों ने कहा कि वो दिखा हुआ है, भी हो सकता है। मैं उसमें यह कहना चाहूँगा कि सर आज जो मैंने शर्ट पहनी है, मैंने वो अपनी वजह से नहीं पहनी, मुझे लगा कहीं ना कहीं कि वो आपको वो अच्छी लगनी चाहिए, सामने वालों को क्या पसंद है हम वो चीज़ कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में जो है वो मैं नहीं पहनूंगा, मुझे लगेगा कि आज मैं ये शर्ट पहन के गया हूँ तो वो आपको अच्छी लगेगी, समाज को अच्छी लगेगी, ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुखों का कारण है। तीसरी चीज़ वो सेंटर वाली बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कई लोगों ने कहा दिखावा भी हो सकता है, लेकिन सर अगर मानिए मेरे विचारों में मेरे पास पैसा आ गया और मैं, मेरी आदत हमेशा से सिंपल और साधारण रहने की है, और मैं उस दिखावे को नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अपना सिंपल साधारण हूँ, जो चीज़ मेरे को पैरों में फीलिंग जूता पहन के नहीं आ रही, हवाई चप्पल में आ रही है, तो मैं अपने मन को फील करके वो पहनूंगा, मुझे उसमें आनंद है तो मैं वैसे ही रहूँगा। उसमें अगर कोई बोले दिखावा है
होने के बावजूद भी नहीं पढ़ने, तो पहले तो अपनी संतुष्टि है, वही चीज लास्ट है सर, बाकी समाज तो क्या कहता है उसमें कुछ नहीं है सर। धन्यवाद।